बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसी दिखे हेयर फ्रॉम खेत की। टुडे वी गोना स्टार्ट यूनिट 18 वेरिएशंस। दिस इज एक्सरसाइज 18.1 एंड वी गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दैट रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज बाय डिवीजन। So, let's find the ratio of the following quantities. Part 1, 70 kg and 28 kg. इनके units same हैं, तो हम यूं भी लिख सकते हैं 70:28। आइए ratio find करते हैं। 70/28 डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 × 10 = 70 एंड 7 × 4 = 28। वंस अगेन इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 × 5 = 10 एंड 2 × 2 = 4। मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। सो our required answer is 5:2. Now let's go for part 2, 60 cm and 1 m. सबसे पहले हमें इनके यूनिट्स को सेम करना होगा और यू नो वेरी वेल 1 m इक्वल्स 100 cm। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। सो वी हैव टू फाइंड द रेशो। फर्स्ट राइट डाउन लाइक 60:100 डिवाइड कर दीजिए 60/100 जीरो को जीरो से कैंसिल कीजिए 6/10। सो 2 × 3 = 6 एंड 2 × 5 = 10। नो मोर कैंसिलेशन। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 3:5। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट 3, 40 seconds एंड 3 minutes। यू नो वेरी वेल सेकेंड छोटा होता है और मिनट बड़ा होता है, तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है। 1 minute में 60 seconds होते हैं, तो 3 minutes में कितने सेकेंड्स होंगे? तो इसके लिए हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी गेट 180। तो आइए रेशो फाइंड करते हैं। 40:180 डिवाइड कर दीजिए 40/180। 0 को 0 से कैंसिल किया 2 × 2 = 4 2 × 9 = 18। No more cancellation. So our required ratio is 2:9. Now let's go for part 4. 200 milliliters and 2 liters. लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है। 1 liter में 1000 milliliters होते हैं। So it means 2 liters में 2000 milliliters होंगे। 2 liters equals 2000 ml. So आइए रेशो फाइंड करते हैं। 200 is to
2000 डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहले जीरोस को आपस में कैंसिल करते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/20, 2 1 2 एंड 2 10 20, सो आई रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:10। नाउ लेट्स गो फॉर नंबर 5, 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, सो लेट्स फाइंड द रेशियो 135:360 इक्वल्स 135/360। आइए कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 to the 10, 3 इसे दे दिया 35 बना, 5 7 35, अब इसे भी डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35 1 बचा, इसे दिया 10 बना, 5 to the 10, 9 3 27, 9 8 72, सो आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:8। Now let's go for part 6. 3.5 kg and 5 kg 200 grams. kg बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है, तो हमें kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 3.5 kg है, इसे भी कन्वर्ट करेंगे और 5 kg को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। So let's go for conversion. Look, 1 kg equals 1000 grams. So it means 3 kg equals 3000 grams. So 3.5 kg means 3000, 0.5 means half, so it means 3000, or 1000 ka half hoga 500, so it becomes 3500 grams. Bilkul isi tarah 5 kg ko convert kar dijiye. 5 kg equals 5000 grams. Our conversion is complete. Now let's go for finding the ratio. 3.5 kg means 3500 grams is to 5200 grams. Look, you can cancel zeros by zeros. So we are left with 35:52. Now we cannot divide 35 by 52 completely, so this is our required answer. I hope you have understood fully well. Thank you.